नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग नियुक्ति पत्र और 22,000 सीट अपडेट न्यूज में। तो प्रयागराज में आज के न्यूज के अनुसार नियुक्ति पत्र को लेकर के, जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी काउंसलिंग के 2 सप्ताह बाद भी नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सका है और आज भी लगातार कई बड़े मंत्रियों से भेंट किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्री सतीश महाना जी से, यहाँ देखिए लीगल टीम के सदस्य आर के सिंह और भारी संख्या में थर्ड काउंसलिंग नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी मौजूद थे। ये देखिए यहाँ पर पूरी भारी संख्या बल के साथ, क्योंकि वही नियुक्ति पत्र को लेकर के अयोध्या में भी सांसद श्री लल्लू सिंह जी को नियुक्ति पत्र के लिए ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पर देखिए उनके आवास पर पहुँचे हैं ये अभ्यर्थी, भारी संख्या में मौजूद थे, काफ़ी भीड़ भी थी। यहाँ पे देखिए मंत्री जी को ज्ञापन सौंपते समय सभी चयनित अभ्यर्थी और लीगल टीम के सदस्य आर के सिंह के साथ। आज भी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुना। तो इसमें भी कुछ अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र संबंधित ज्ञापन को सौंपे। और ये जौनपुर में माननीय सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद जौनपुर में यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा मंत्री जो इटावा में मौजूद थे वहाँ भी अभ्यर्थी पहुँचे। ये बुलंदशहर से हैं, यानी आज प्रदेश भर पे 6,000 जो चयनित शिक्षक हैं, 6,600 उन लोगों ने व्यापक स्तर पे जो कार्यक्रम चलाया, ये आज की उनकी ज्ञापन कार्यक्रम 17,000। और फिलहाल आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जारी किया जा रहा है नियुक्ति पत्र में विसंगति या नियुक्ति रद्द वाला कार्यक्रम, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में विसंगति हो या सभी डिस्ट्रिक्ट से नियुक्ति रद्द हो। कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कई मैटर भी नहीं है, और कुछ में जो मैटर हैं तो 1 या 2 या 3 मैटर अगर हैं तो वे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके वे अभ्यर्थी से बात कर लेते हैं। और कई डिस्ट्रिक्ट में तो जब ज़्यादा संख्या हो जाती है तो वहाँ पे लिस्ट चस्पा कर दी जाती है। इसीलिए अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के मिले हैं हमने उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। फिलहाल अभी तक और किसी डिस्ट्रिक्ट में ये लिस्ट विसंगति या नियुक्ति रद्द का चस्पा नहीं किया गया है, जैसे ही चस्पा होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल उम्मीद यही है कि अब विसंगति या फिर जो शपथ पत्र के लिए उनके पास डायरेक्ट कॉल किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे हैं या नोटिस भेज दिए जा रहे हैं, इसलिए उन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कोई भी मैटर अगर उपलब्ध होगा जो ना मिला हो तो हम तुरंत अपलोड कर देंगे, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अमरोहा ज़िले में 16 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा में रखा गया है, वोटर आईडी व अन्य दस्तावेज संबंधित समस्याओं के कारण संबंधित जिले के अभ्यर्थी संबंधित जिले के बेसिस से तत्काल मिल लें। और आपको ये भी बता दें सिर्फ आपके जो अंकों में हेर फेर ना हो, यानी कम या ज़्यादा ना हो, आपको इस नियुक्ति पत्र से नहीं रोका जा सकता है, चाहे कोई भी कमी हो इसके अलावा, अंकों के अलावा और टेट जो है बैक ईयर के अलावा। मान लीजिए जैसे वोटर आईडी कार्ड के कारण है या फिर स्पेस के कारण है नाम में, इन सब अभ्यर्थियों को पूरी तरह से समय दिया जाएगा आपको सुधार करने के लिए शपथ पत्र के माध्यम से। तो ये अमरोहा में 16 लोगों को प्रतीक्षा सूची में रख दिया गया है, आप लोग जल्द से जल्द तत्काल मिल लें और अन्यथा नियुक्ति पत्र वितरण में विलम्ब होगा। तो नियुक्ति पत्र विलम्ब क्यों हो रहा है यही कारण है। तो ये नियुक्ति वितरण पूरे प्रदेश भर में जो चलाया गया उससे संबंधित न्यूज़ था। यहाँ पे भी देखिए लोग पहुँचे हैं, दिनेश प्रताप सिंह। बात करते हैं 22,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो 25 दिन हो चुके हैं सरकार जबरदस्त प्रेशर में, चुनावी वर्ष में योग्यता की उपेक्षा आरोप बहुत दिन तक सरकार झेल ना पाएगी लीगल टीम की ओर से। कि आज संख्या बल काफी अधिक दिखा, जिसमें नारी शक्ति का सबसे ज्यादा संख्या थी। तो यहाँ संख्या जिस दिन 4,500 तक पहुंच गई तो शासन 22,000 मुद्दा दबाना नामुमकिन हो जाएगा। चुनाव सर पे है और SCRT पर 105 प्लस वाले बैठे हैं, ये आज की संख्या बल है। यहाँ पर 69,000 में 22,000 सीट जोड़ी सरकार, जबरदस्त भीड़ थी यहाँ पे आज, खचा खच यहाँ पर जो भी एरिया था कवर किया गया था पूरा। तो 22,000 शिक्षक भर्ती सीट जोड़ने के लिए अभ्यर्थियों को जो 75 जिलों से अब पहुँचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्रत्यावेदन वाला आज अंतिम दिन था लेकिन कल दोपहर तक का भी समय बढ़ा दिया गया है, आप अपने प्रत्यावेदन को जमा कर सकते हैं। वहीं बीएड प्रवेश परीक्षा से पहले टीका लगवा ले अभ्यर्थी, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड के लिए एडमिट कार्ड शुक्रवार को दोपहर से डाउनलोड होने लगेगी, लेकिन कोई भी प्रवेश परीक्षा जारी होगा उससे पहले आप लोग टीका जरूर लगवा लीजिए, वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए।
जानकारी के अनुसार बता दें कि 22 जुलाई सचिव और उप सचिव के साथ छोटे बड़े अधिकारियों की बैठक सुनिश्चित है। एससीईआरटी में प्रमुख मुद्दा 22,000 पर विचार संभव, दबाव बना रहे हैं। 27 जुलाई प्रत्यावेदन जमा करें। ये लीगल टीम की ओर से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।